जहाँ की राजस्थान री माए आप सब रो स्वागत करबो छावा हाँ। तो आपने सबू पेली के वहाँ पधा बीजा पर्यटक स्थल अठरी ऐतिहासिक धरोहर अठरी इमारता अठरा महल बारा में अंधेरा माथे उजाला री जीत रो त्योहार दिवाली पूरा देश में योजावे है, पण जयपुर में ओ दीपारो उत्सव पूरे 5 दिन तो जयपुर रो पूरो रूप ही निखर जावे है। जिन शान और शौकत से जयपुर में ओ त्योहार मनाया जावे है। मिठाई री दुकाना माथे न्यारी न्यारी तरह री मिठाई खरीदण वाला रो जमावड़ो लाग्यो रियो। जगह जगह फटाका री दुकाना माथे भी लोग उमड़ रिया हा। इन बार दिवाली रे मौके बिक्री सारा पुराना रिकॉर्ड तोड़ दी विशेष महत्व है। इन दिवाली आतिशबाजी भी जमर हुई। रंग बिरंगी रोशनी रा पटाखा सू आकाश भी रंगीन हो गो। भाषा राजस्थान की एकमात्र पत्रिका माणक बाँचो और बचाओ और आपानी माड़ भाषा रो गौरव बढ़ाओ। माणक में आपने मिलसी राजस्थान रो चित्रांग वीर कथावा आपनी माड़ भाषा रा लोकगीत राजस्थान रा पहराव और अठेरी फिल्मा और घनी सारी बाता आप तो आज ही माणक लाओ बाँचो और बचाओ। माणक प्रकाशन जयपुर दीप भवन जालोरी गेट जोधपुर। बात बनतल मैं इसी कई संस्था और विभाग सु आपने मिलावा हाँ जो आपने क्षेत्र में बखान जो काम करी रहा है। आओ जाना इनरे कामरे बारा में। राज्य में पंचायती राज व्यवस्था ने और मजबूत बनाई जा रही है। इन दिशा में राज्य सरकार कई कदम उठाया है। जनता से जुड़िया 5 सरकारी विभाग शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, कृषि और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रो काम जिला परिषदा रे अधीन करो गयो है। इन महकमा से जुड़िया ग्रामीण क्षेत्र री जो समितियां अब तई कलेक्टर री अध्यक्षता में बण्योड़ी ही वे जिला परिषद और पंचायत समितियां में समाहित हो जावेली। मुख्यालय मरण सम्मेलन रो आयोजन करो गयो हो। प्रभारी मंत्री इन सम्मेलन री अध्यक्षता कीनी। सम्मेलन में जिला रा प्रभारी सचिव भी मौजूद रिया। सम्मेलन में क्षेत्र रा सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, जिला परिषद रा सदस्य, प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति रा सदस्य, सरपंच, उप सरपंच और पंच भी हिस्सो लीनो। सम्मेलन में प्रभारी मंत्री कहो के पारदर्शी और जवाब आम गाँव वाला ने सत्ता सू सीधी भागीदारी रो एहसास होवेलो। पंचायत रा नुमाइंदा भी भरोसो दिलायो। पूरी पारदर्शिता, जवाबदेही और इच्छा शक्ति रे साथ है आपरी जिम्मेदारी रो ईमानदारी सू निर्वहन करेली। जयपुर में जवाहर कला केंद्र में 11 दिन रो राष्ट्रीय लोक रंग उत्सव लाडले बुधवार ने संपूर्ण हुयो। कलाकार आप आपरा प्रदेश री संस्कृति रो मुजाहिरो इन उत्सव में कीनो। सिक्किम री राजधानी गंगटोक री MG रोड इन तरह री सड़क है जठे नो पार्किंग क्षेत्र घोषित करो है। इन सड़क माथे वाहनारी आवाजाही प्रतिबंधित है, जिनसू पर्यटक बिना रोक टोक रे इन सड़क माथे आ जा सके और खरीदारी कर सके। पर्यटन और फिल्म व्यवसाय से जुड़िया गंगटोक में बसिया प्रवासी राजस्थानी राकेश सोमानी म्हारा विशेष प्रतिनिधि पदम मेहता ने दिया साक्षात्कार में कहो कि जे राजस्थान रा प्रमुख शहरा और पर्यटन स्थला जया जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर जिनरा बाजारा में इन तरह वाहनारे प्रवेश माथे रोक लगा दी जावे तो बाजारा में वाहनारी रेलम पेल सू छुटकारो मिल सके है। वे सिक्किम और राजस्थान में पर्यटन ने बढ़ावो देवन सारू आपस में तालमेल माथे जोर दीनो। पूरा सिक्किम ही मतलब जी को टूरिज्म को आज एक बहुत अच्छो नाम वर्ल्ड वाइड इंगो अच्छो नाम हा और बिना राजस्थान भी आज मतलब जी को टूरिज्म में बहुत अच्छो डेवलप करियो है। राजस्थान चूँकि डेजर्ट हा, सिक्किम हिल्स, तो अगर मैं चाहूँ मेरो एक मतलब हार्दिक इच्छा कि अगर मान लो दोनों सरकार मिलके एक कंबाइन कुछ करा तो शायद विश्व स्तरीय जी का टूरिज्म हाँ बीमा आप लोग मतलब जी को काफ़ी बड़ो योगदान हो सका हा भारतवर्ष को और मतलब अच्छा टूरिस्ट अपना आठा आ सका। लुगाया आजकल विकास रे आगे चाली रही है, मिनका रे कांधा सु कांधो मिलाइन काम करी रही है, खुद रो, क्षेत्र रो, परिवार रो और देश रो नाम रोशन करी रही है। लुगाया तो आज कठे कठे तक नहीं पहुंची, सभी क्षेत्र में काम करी रही है। पिनगट माथे में लेन आवा हा इसी लुगाया से जुड़ी बाता आओ जाना ये काई केवे। जयपरी प्रेरणा श्रीमाली कथक नृत्यांगना रे बतौर देश विदेश में ख्याति पाई है। गोप कोवर अते इन श्रेष्ठ कला सारू लाडल दिना अखिल भारतीय संगीत नाट्य अकादमी रो पुरस्कार भी इन दियो गयो। आओ अबे आपा जाना इनारी उपलब्धियां और कला रे बाबत। जब बच्चे होते हैं तो मम्मी पापा माँ पिता ही देखते हैं कि बच्चे में क्या रुचि है और वो उसे उस तरफ एक दिशा दे देते हैं। और मुझे जब समझ आई थोड़ी बहुत तो मैं नृत्य कर रही थी। मैंने देश दुनिया के लगभग सभी बड़े समारोहों में हिस्सा लिया है। जैसे अब तो पता नहीं कितनी अहमियत है पर उसकी खजुराहो नृत्य समारोह बड़ा समारोह माना जाता है नृत्य का, शास्त्रीय नृत्य का, उसमें 4 बार मैं जा चुकी। तो इस तरह से एक इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल होता है अविन्यो फेस्टिवल जो फ्रांस में होता है, दक्षिणी फ्रांस में। वहाँ पर 1995 में मैंने अपना एक प्रदर्शन दिया था जिसमें बहुत बड़े एक चित्रकार, आधुनिक चित्रकार हैं सैयद हैदर रज़ा, उनकी पेंटिंग्स और अशोक वाजपेयी जी की कविताओं के साथ में एक पूरा प्रोग्राम बनाया था रीचिंग फॉर ईच अदर, वो वहाँ किया था और बहुत सफल रहा वो। इसके अतिरिक्त देश के लगभग सभी बड़े नृत्य समारोह में मैं हिस्सा ले चुकी हूँ, ये मुझे सौभाग्य मिला है। और अभी इसी वर्ष मुझे संगीत नाटक अकेडमी, केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी का दो भी आपके अंदर विचार है या भावनाएं हैं उसे आप अभिव्यक्त करने की उससे कोशिश करते हैं, तो इस लिहाज से मैं कहूँगी तो कथक मेरी अभिव्यक्ति है।